नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 26। आपके जो मेन क्वेश्चंस थे वो फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस और खुद के घर के सुख से रिलेटेड थे, तो सबसे पहले आपके इन्हीं डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। आपने पूछा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। देखिए, उसके लिए फेट लाइन को देखा जाता है और आप देखेंगे स्टार्टिंग में आपकी फेट लाइन इतनी मजबूत है नहीं। जो मजबूती इसमें शुरू हुई है वो करीब करीब 30 या 32 के बाद से शुरू हुई है, लेकिन अगर आप आगे जाके देखेंगे तो आगे जाके फिर से फेड हो गई है। तो करीब करीब 36 वर्ष के बाद आप समझ सकते हैं कि और भी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं रहेगी। करियर के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम को ये दर्शाता है। दूसरा, आपने पूछा आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं। देखिए, उसके लिए मर्क्यूरी माउंट को देखा जाता है, क्योंकि मर्क्यूरी माउंट बुध पर्वत ये दिखाते हैं कि आपकी बौद्धिक क्षमता किस प्रकार की है, आपके डिसीजंस कैसे रहेंगे, आप टाइम पर डिसीजंस ले पाएंगे या नहीं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी रहेंगी। इसीलिए ही बिजनेस सेंस यहाँ से देखा जाता है। ये दिखा रहा है कि आपका बिजनेस सेंस अच्छा है। यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं भी नजर आएंगी जो कि यह भी आपकी मदद करेंगी। पाल में आपके मनी ट्रायंगल भी बन पा रहा है, लेकिन समस्या ये है कि आपके पाल में लाइफ लाइन भी अस्त व्यस्त है, माइंड लाइन भी इस प्रकार की नहीं है, और लाइफ लाइन पर देखेंगे तो काफ़ी सारे राहु रेखाओं के आपको वार भी नज़र आएंगे। तो आप मान लीजिए बिजनेस करते भी हैं तो वो आपके सामने सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब जब राहु रेखा काटेंगी तो वहाँ आपको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए आपको जॉब ही करनी चाहिए जहाँ पर आपके पास रेगुलर इनकम आती रहे। आपने पूछा खुद के घर का सुख। देखिए, यदि आपकी लाइफलाइन को देखें तो लाइफलाइन पर यहाँ पर इस प्रकार से ऑफशूट निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बड़ी खुशखबरी को दिखाते हैं। ये ऑफशूट आपके पाल में 60 वर्ष के बाद से हैं, लेकिन समस्या ये है कि आपको खुद के घर का सुख मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको काफ़ी ज़्यादा इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। आपकी रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर है। ये दिखाती हैं कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई नहीं है, आप सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर लिटिल फिंगर को देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट फ्रेंड तक पहुंच पा रही है। ये दिखा रही है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छी है, जैसे कि टाइम का मैनेजमेंट कर पाना, दूसरा फाइल मैनेजमेंट कर पाना, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मर्क्यूरी माउंट को देखें तो मर्क्यूरी माउंट आपका अच्छा है, यहाँ पर आपको इस प्रकार की रेखा भी नज़र आ रही होंगी। ये दिखा रही है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, वर्क प्लेस पर आप बात को सही तरीके से, सही तर्क के साथ कह पाते हैं। दूसरा, ये दिखा रही है कि आपकी मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस काफ़ी अच्छा है, चीज़ों को प्लानिंग करके आप चलते हैं। सन माउंट पर अगर हम चलें तो सन माउंट पर रेखा काफ़ी स्पष्ट है। इस प्रकार से देखिए, माउंट थोड़ा सा फ्लैट है, इतना उभार इसमें नहीं आ पाया है। उसका रीज़न भी ये है क्योंकि जब किसी की हार्ट लाइन इस प्रकार से कर्व ले लेती है और उंगलियों की तरफ शिफ्ट होने लग जाती है तो इन तीनों पर्वतों को इतना स्पेस नहीं मिल पाता है, इस वजह से समस्या आती है। देखिए, एक बार को रेखा अच्छी हो लेकिन पर्वत दबा हुआ हो तो उसका इतना अच्छा असर नहीं हो पाता, उतना प्रभाव नहीं मिल पाता। ये दिखा रहा है कि जो आपको सक्सेस चाहिए जीवन में, जो नेम फेम हम एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से, जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, नॉलेज है, स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं रिजल्ट में आपको कमी देखने को मिलेगी। जिस लेवल पर आप सक्सेस चाहते हैं उस लेवल पर नहीं मिल पाएगी, तो इसके लिए आप उपाय कीजिएगा। सैटर्न माउंट की तरफ चलें तो सैटर्न माउंट पर आपको इस प्रकार से एक रेखा नज़र आएगी। देखिए, जब ये एक रेखा होती है, ये दिखाती है कि आपको जो सक्सेस मिलेगी वो हमेशा खुद की मेहनत पर ही मिलेगी, उसके लिए आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा, जो भी आपका करियर हो। देखिए, शनि पर्वत जो है हमारा, वो हमारे कर्म और रोजगार के ही कारक हैं, तो आपके जो रोजगार कुछ भी हो, चाहे आप जॉब में हो या फिर बिजनेस में हो, उसके लिए आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। शनि देव व्यक्ति के जीवन में परिश्रम भी लेकर आते हैं जब शनि पर्वत इस प्रकार से फ्लैट होता है। अगर आपके जुपिटर माउंट पर चलें तो जुपिटर माउंट पर आपको प्रॉपर क्रॉस बनता हुआ नज़र आएगा। देखिए, क्रॉस काफ़ी अच्छा माना जाता है जुपिटर माउंट पे। ये दिखाता है कि जो आपकी लाइफ पार्टनर होंगी वह आपको सपोर्ट करने वाली होंगी, चाहे फाइनेंशियली करें चाहे मानसिक रूप से करें, लेकिन उनका आपको सपोर्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, काफ़ी प्रेम भी मिलेगा आपको उनसे। देखिए, जुपिटर माउंट जो है आपका
उसको उतना अच्छा स्पेस नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं भी आएंगी आपके जीवन में। यहाँ पर इस प्रकार से आपको रेखा नजर आएंगी, ये रेखा जो होती है मल्टीपल इनकम के सोर्सेस को भी दिखाती है। दूसरा ये दिखा रही है कि गुरु वलय का साइन बनता हुआ नजर आ रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका ध्यान जितनी भी रहस्यमय विद्याएं हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, पाल्मिस्ट्री है, ऐसी काफ़ी सारी विद्याएं होती हैं, उन सब की तरफ आपका ध्यान आकर्षित होगा, ये इस चीज़ को तो भी दर्शाता है। अगर आपके आउटर मार्क्स पर देखें तो देखिए दिखाता है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता अच्छी है, आप लड़ना जानते हैं, साहसी भी हैं, लेकिन रेखाएं नेगेटिव हैं, तो दिखाती हैं कि शत्रुओं से हानि होने के भी योग हैं आपके पाल में दिख रहा है। ये देखिए शत्रु भी आपके इस प्रकार के होंगे कि वह आपको हानि जरूर करेंगे, चाहे किसी भी प्रकार से करें, चाहे मानसिक रूप से करें, चाहे आपको फाइनेंशियल, चाहे आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां लेकर आए, तो इन सब से आप बच के रहिएगा और सतर्क भी रहिएगा। मून माउंट देखें तो मून माउंट आपका बिल्कुल नॉर्मल है, ये दिखा रहा है आपको थोड़ी बहुत, देखिए मून माउंट जब इस प्रकार का होता है, मून माउंट आपका ठीक है, लेकिन रेखा इस प्रकार की है तो थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव समझ सकते हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या, या फिर विचारों में अशुद्धता आ जाना, कुछ भी समझ ना आना, आप सोचते कुछ और होंगे और होता कुछ और होगा, इस प्रकार की समस्याएं व्यक्ति के जीवन में ज़रूर आती हैं। वीनस माउंट पर अगर हम देखें तो वीनस माउंट पर आपको इस प्रकार से काफ़ी सारी लाइन नज़र आ रही होंगी, ये रेखाएं काफ़ी कॉमन हो गई हैं, लेकिन आपके पाल में कुछ ज़्यादा ही हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए इसके काफ़ी सारे प्रभाव होते हैं। अभी ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन पर इसके सारे ही प्रभाव पड़े, लेकिन इनका असर इस प्रकार से होता है कि आपके जीवन में आपकी लाइफ पार्टनर से मतभेद को भी दिखाता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आप दोनों के बीच मतभेद रहें और आप दोनों की ना बन पाए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। दूसरा ये दिखाता है कि आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है कि अच्छा ना हो, या फिर कभी कभी किसी की खराब आदतों को भी दिखाता है, जैसे किसी को किसी चीज़ का, देखिए जैसे किसी को एडिक्शन भी होता है किसी चीज़ का, जैसे कि आप समझ सकते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि लोगों को दिन में 10 बार चाय पीने की आदत होती है, तो इस प्रकार से किसी प्रकार का एडिक्शन आप समझ सकते हैं। अगर हम इनर मार्क्स पर हम चलें तो इनर मार्क्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा इतनी अच्छी नहीं है, स्टैमिना और फिजिकल एनर्जी आपकी बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर हम देखेंगे तो मंगल रेखा भी इस प्रकार से चली है, ये मंगल रेखा दिखाती है कि आपके जीवन में आपको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति कोई ना कोई ज़रूर होगा, हो सकता है वो आपकी लाइफ पार्टनर हो, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी हो, आपके भाई बहन, रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल में से कोई, लेकिन आपकी मदद करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर खड़ा होगा। जब जब आपके जीवन में परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगी, तो आपका साथ देने वाला व्यक्ति कोई ना कोई ज़रूर होगा। अब चलते हैं आपकी फेट लाइन की तरफ। देखिए फेट लाइन पर मैंने आपको पहले भी बताया, फेट लाइन आपकी इस प्रकार से गई है, देखिए इस प्रकार से। जब भी किसी व्यक्ति की फेट लाइन इस प्रकार से जाती है तो दिखाती है कि जब आप जॉब कर रहे होंगे तब आपका माइंड डाइवर्ट होगा बिजनेस की तरफ, और जब अगर आप बिजनेस करेंगे तो बार बार आपका माइंड जॉब की तरफ भागेगा। ये कर्व ले रही है तो एक ही डायरेक्शन में सीधी नहीं गई, तो ये दिखाती है कि माइंड आपका बार बार डाइवर्ट होगा। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा की तरफ। देखिए जीवन रेखा मैं बिल्कुल कह सकती हूँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जीवन रेखा भी अच्छी नहीं है। देखा जाए तो माइंड लाइन पर भी इस प्रकार की अप साइन है और हार्ट लाइन भी इसी प्रकार से है, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं मानसिक तनाव की दिक्कत आपके जीवन में ज़रूर ही ज़रूर रहेगी। लाइफ लाइन पर जब इस प्रकार के साइन होते हैं तो बड़ी बड़ी दिक्कतों को दिखाते हैं, चाहे वो आपको करियर से रिलेटेड हो, या फिर फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ हो, या फिर हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज़ हो। देखिए हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज़ आपके जीवन में रह सकते हैं। हार्ट लाइन को हम देखेंगे तो हार्ट लाइन आपकी पूरी यप की आकृति में बनते हुई चली है, तो ये आपके जीवन में इमोशनल हर्ट को भी दिखा रही है, बार बार दिल को ठेस पहुँचना। देखिए इसका रीज़न क्या है, हार्ट लाइन हमारी अंतरात्मा होती है, और जब अंतरात्मा पर ही इस प्रकार के साइन हो तो आगे आप बात को समझ सकते हैं, बार बार इमोशनल हर्ट होने के भी योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको कॉन्शियस रहना होगा, हार्ट से रिलेटेड समस्या आपको जीवन में आगे आ सकती हैं, जैसे कि बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग भी पूरी तरीके से कॉन्शियस रहना होगा और अभी से रहिएगा। बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड, इन सब का सेवन कम कर दीजिए, हो सके तो चीनी का सेवन भी कम कर दीजिए। सुबह सुबह उठकर घूमिए, फिट रखिए अपने आप को। दूसरा देखिए सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बिल्कुल बीच में गई है, तो दिखा रही है कि आपके लिए आपका करियर, आपका काम, वर्क और आपकी फैमिली तीनों समान रूप से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए तीनों चीज़ें समान रूप से महत्व रखती हैं। माइंड लाइन पर चलें तो जीवन रेखा से हटकर चली है, लेकिन एक रेखा इस प्रकार से यहाँ से चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये दिखा रहा है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग रहेगी,
आप अपने मन का काम करना पसंद करेंगे, कोई व्यक्ति आपके बीच में टांग अड़ाता है, आपकी बातों को काटता है, या फिर आपकी बात नहीं मानता है, तो ये बात आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी बुरी भी लग जाती है। आप ज़िद्दी भी हैं, जिस चीज़ की ठान लेते हैं उसको करके ही मानते हैं। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, गुस्से में आकर या जिद में आकर लाइफ में कभी कोई गलत डिसीजन मत लीजिएगा, वहाँ ये आपके गलत साबित कर सकता है। माइंड लाइन पर भी यव की आकृति है, तो आप समझ सकते हैं कि बारंबार मानसिक तनाव, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या, मेंटल प्रेशर, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम को ये दर्शा रहा है। ये बुढ़ापे में, ये स्थिति आपकी बुढ़ापे में जाके सुधरी है। माइंड लाइन आपकी इस प्रकार से कर्व ले रही है। देखिए, जब भी माइंड लाइन इस प्रकार से कर्व लेती है तो दिखाती है कि बुढ़ापे में आकर आप धार्मिक भी होंगे। परमात्मा पर जो आपका विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। स्पिरिचुअलिटी को आप स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जाएंगे, यह इस चीज़ को दर्शाती है। देखिए, मैंने आपके पालन का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पालन की हाईलाइट क्या है, आपके पालन में जो मेजर समस्या है, देखिए पालन में तीनों जो रेखाएं होती हैं काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। और जब ये तीनों ही अच्छी अवस्था में ना हो, अस्त व्यस्त हो, तो कहीं ना कहीं समस्या आपको जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको अभी से सतर्क रहना चाहिए और इनकी रेमेडीज़ भी आपको करनी चाहिए, तभी आपको जीवन में अच्छा लाभ मिल पाएगा और आप सफलता की ओर भी जाएंगे। तो सबसे पहले जो बातें मैंने आपको देखिए जो बातें मैंने आपको हार्ट लाइन से रिलेटेड बताई, तो उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको मानसिक तनाव की ऐसी कोई दिक्कत है, आप ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कल्पनाशील हैं, तो आप सुबह सुबह उठकर, या फिर आपको गुस्सा भी आता है तो आप सुबह सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। बाकी फेट लाइन को मजबूत करने के लिए, राहु रेखाओं के लिए, जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए और सूर्य पर्वत को मजबूत करने के लिए हम आपको प्रॉपर रेमेडीज़ प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको सूर्य पर्वत के लिए, राहु रेखाओं के लिए, फेट लाइन को मजबूत करने के लिए उपाय बताए हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, आपको एडवाइस दिया है। अब भी आपके कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो वह आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।